अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर राजा ताहिर, टीचर गवर्नमेंट यू पी एसवल राम मजूर नावर, एंड दिस इज क्लास सिक्स एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टॉपिक इज मूसा लीज कैमरा एंड वी हैव डूइंग द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड इन एक्सरसाइज पोर्शन वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर section and we have done the language work section and now we are doing grammar work section of this chapter. तो इसका जो ग्रामर वर्क का पार्ट है हमने कल इसमें से आधा किया था, तो आज हम इसका जो second and final part of this grammar work of this chapter and that is singular and plural in grammar we should know. सिंगुलर एंड प्लूरल जिसे हम उर्दू में हम वाहिद जमा कहते हैं, यानी कि वाहिद और जमा, यानी कि बॉय, यानी कि वाहिद एक है इसका जमा जो है प्लूरल इसका बॉयज आएगा. इसी की तरह हम नाउन्स के हम जो नामों के हम सिंगुलर प्लूरल लिखते हैं, तो हर सिंगुलर का प्लूरल होता है, तो यही हमें देखना है. तो हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं और किसका सिंगुलर किस सिंगुलर का प्लूरल क्या आता है. लेट्स रीड. लेक्स इज द प्लूरल ऑफ लेक. जो लेक्स, लेक्स का मतलब हो गया ये जो झील, यानी कि डल लेक है, वलोर लेक है, मानसबल लेक है वगैरह है, तो इसका जो लेक हो गया एक लेक, तो इसका जो प्लूरल है वो लेक्स है. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं इनके आपको प्लूरल हमें बताने हैं, तो डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट प्लूरल बनाने के अपने अपने तरीके हैं, तो वो हम देखेंगे. तो हम चेक करेंगे. पहला जो वर्ड है ये है वॉच, WATCH वॉच. वॉच मीन्स घड़ी, तो इसका जो प्लूरल आएगा ये आएगा वॉच, यानी कि WATCHE एस वॉच का प्लूरल आएगा. एंड देन इट इज श्राइन, श्राइन, श्राइन सिंगुलर है इसका जो ज़ियारत जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो प्लूरल है वो श्राइनज आएगा. रूम एंड कमरा, इसका जो प्लूरल है वो रूम्स आएगा. तो कैरट, कैरट का प्लूरल जो है वो कैरट्स आएगा, इन गाजर. न्यूज, न्यूज यानी कि खबरें, तो ये इसका जो प्लूरल है वो न्यूज ही है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो न्यूज का जो प्लूरल है वो जो न्यूज ही है. न्यूज सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. देन इज कैमल, यानी ऊंट, इसका जो प्लूरल है वो कैमल्स आएगा. देन इज रेडियो, इसका प्लूरल रेडियोज आएगा. तो आर्मी, तो आर्मी का प्लूरल आर्मीज आएगा, ARM. तो वाई को हम काटेंगे, वाई की जगह हम IES लगाएंगे, तो ये आर्मीज बन जाएगा, इसका प्लूरल है. तो देन बेबी, बेबी यानी कि बच्चा, इसका जो प्लूरल वो बेबीज आएगा, वाई इसको काटेंगे, इसको IES लगाएंगे, तो ये प्लूरल बनेगा इसका बेबीज. फ्रूट, फ्रूट्स, इसको सिर्फ एस लगाएंगे पीछे, फ्रूट्स बन जाएगा. बुक केस, बुक केस यानी कि किताब रखने की जो छोटी सी अलमारी है, तकचा है या कुछ ये है, तो जी ये शलफ इसका बना हुआ होता है, या वो छोटा सा सुदूकचा जैसा बना हुआ था, इसको हम बुक केस कहते हैं, जिसमें बुक रखते हैं, तो उसका जो प्लूरल है वो बुक केसेस आएगा. एडवाइस यानी कि किसी को नसीहत करना, तो इसका जो प्लूरल है ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, इसका प्लूरल भी एडवाइस ही आएगा, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसका प्लूरल ये इस जो है एडवाइस ही आएगा. तो देन वी सी शीप, शीप, शीप यानी कि बेड, तो इसका प्लूरल भी शीप ही आएगा, शीप का प्लूरल शीप ही है. टॉय, टॉयज. लॉरी, लॉरी का प्लूरल लॉरीज आएगा, वाई को हम काटेंगे, इसको IES लगाएंगे पीछे, तो लॉरीज बन जाएगा. तो नावल, नावल का प्लूरल नावल्स आएगा,
वर्कमैन, वर्कमैन, वर्कमैन का प्लूरल जो है वर्कमैन आएगा, वर्कमैन, वर्कमैन। तो इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन जो है इसका प्लूरल भी इंफॉर्मेशन ही आएगा, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। डॉटर, डॉटर्स ऐसा लगाना है, डॉटर्स। कश्मीरी, कश्मीरी का प्लूरल कश्मीरीज आएगा। ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स का जो प्लूरल है वो ऑक्सन आएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि इसको ऑक्सेस आना चाहिए, लेकिन इसको ऑक्सन आता है। तो ये इसके जेंडर बायस पे, जेंडर रिलेटेड ब्रीडिंग के हिसाब से थोड़ा इसमें एक एक एक्सेप्शन जुड़ी हुई है। तो बहरहाल ऑक्स का जो ये जो क्या कहते हैं इसको, ऑक्स का जो ये प्लूरल है वो ऑक्सन है। देन इट इज बुक, बुक का, बुक्स, क्लासरूम, क्लासरूम्स। फिश, फिश का भी जो प्लूरल है फिश ही आएगा। तो प्लेस, ये पैलेस, पैलेस, पैलेस यानी महल, तो इसका प्लूरल जो है पैलेसेस आएगा, पैलेस, पैलेसेस। और प्लेस अगर होगा तो प्लेसेस आएगा, ये पैलेस है इसका आएगा पैलेसेस। देन इट्स कैट, कैट का तो कैट्स, काउ, काउज, चिप, चिप्स, टीपॉट, टीपॉट्स, पानी, पानी, पानी एक घोड़ा है, छोटे कद का एक घोड़ा होता है छोटे साइज का, तो उसे हम पानी कहते हैं। तो पानी को आएगा पोनीज, वाई काट के आई ई एस लगाना है। देन इट इज नाइफ, यानी कि जिसे हम चाकू से काटते हैं नाइफ, इसका प्लूरल है नाइव्स, के एन आई वी ई एस, एफ और वी को ई को काटना है, के एन आई वी ई एस। ये मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन करके भी दिए इस एलएमएस पे डाल दूंगा आपके, जिससे तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको फिलहाल समझा रहा हूँ। तो इसका जो स्क्रीन शॉट भी मैं आपको सॉल्व करके इसमें डाल दूंगा। तो देन टोमेटो, 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 टोमेटो का टोमेटोज, टोमेटो का आएगा टोमेटोज। फ्लाई, 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 ये एक तो हो गया फ्लाई वो उड़ना, ये फ्लाई है मक्खी जो घर में जो यानी कि मच्छियां होना चाहिए। फ्लाई, फ्लाइज, इसका प्लूरल आएगा फ्लाइज, वाई काटना आई एस लगाना है। इंक पॉट, मील की दवा जो होती है लिखने के, इंक की दवा, तो उसका हम इंक पॉट कहते हैं, इसका जो प्लूरल है वो इंक पॉट्स आएगा। डीर, डीर यानी कि हिरन, इसका जो प्लूरल है वो भी डीर ही आएगा, डीर का प्लूरल भी डीर ही आएगा। और जो ये मैन, मैन का प्लूरल है मेन, वुमेन, वुमेन का प्लूरल है वुमन। तो ये तो थी कुछ सिंगुलर प्लूरल, तो इसको आप खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल में। बहरहाल यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि देयर सम समथिंग, देयर सम दीज प्लूरल नाउन्स विच डोंट टेक, विच डोंट हैव सिंगुलर्स। कुछ ऐसे नाउन्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सिंगुलर नहीं है, वो सिर्फ प्लूरल में ही आपको मिलेंगे, उनको सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही है, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ का दिया हुआ है, जैसे सीजर्स, सीजर्स, सीजर जो डॉक्टर वो जो कैंची इस्तेमाल करता है काटने के लिए, बंडेज या वो जो या कुछ ऑपरेशन सर्जरी के दौरान वो जो इस्तेमाल वो कैंची का, उसे हम सीजर कहते हैं। तो सीजर हम उस कैंची को भी कह सकते हैं जो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि उसके जो वो दो होते हैं, वो दो खाने हो, दो साइड होते हैं, वो बराबर क्या कहते हैं इसको, ये पेयर में होता है, तो उसको हम सीजर्स ही कहेंगे, सीजर उसको हम नहीं कहेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म ही आपको मिलेगा। देन ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर यानी कि आपका पैंट है, पतलून है या ट्राउजर है, इसको भी आपको दो होते हैं, दो यानी कि जमीर साथ आसान आती हमेशा प्लूरल, क्या ट्राउजर्स आसान हमेशा जमीर या था आखनोर कहीं, आखनोर वो ट्राउजर चुना आसान कहीं, अतन ज पैंटस तसान ज पजामस तसान ज इत कन पैजामाज ये प्लूरल से मज मिला, ये भी आपके प्लूरल में ही मिलेगा, प्लूरल में ही आपको अवेलेबल है। तो देन इट इज दिस इज क्लोथ्स, क्लोथ्स, हम जब भी कपड़ों की बात करते हैं हम क्लोथ्स कहेंगे, क्लोथ्स न कि क्लोथ,
तो ये भी हमें प्लूरल फॉर्म में ही मिलेंगे। तो इसके अलावा आपको कुछ और ऐड करने हैं, खुद भी हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम टोंग्स जिसे हम लेबोरेटरी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक किस्म का चुमटा होता है जिसे हम गर्म चीजों को उठाते हैं, पकड़ते हैं, तो उसे हम टोंग्स कहते हैं। वो भी पियर में होता है इस तरह, तो वो उसके भी दो ये होते हैं, दो साइड्स होते हैं। तो ये भी आपको पियर में मिलेगा। तो ये भी आपको ये क्या कहते हैं इसको, ये प्लूरल फॉर्म में ही मिलेगा। देन वी हैव शूज यानी कि जूते भी आपको प्लूरल में ही मिलेंगे, यानी कि हमेशा बूट खोर आसन हमेशा ये आसन अख खोर ऐसे गसुन दुकानदार वनो न कि मे दे बूट खोर अख सु दी जो खोर सु दी हमेशा जो खोर बूट चा आई मे जो खोर तो ये लिहाजा शीत प्लूरल फॉर्म मजे आसा अच्छे सिंगुलर के इथे कन छु। देन इट इज सॉक्स यानी कि मोज जराबी यम ती आसा हमेशा जो अल्स वर्ड करो मोजुक इस्तेमाल तम सा सॉक्स वन प्लूरल फार्मी इस्तेमाल तेज अच्छे सिंगुलर कह मोज अन दुकान पे गो तम वन हेको वन मोज खोर अंद पेर आज प्लूरल फार्म अच्छे सिंगुलर कह गो सॉक्स ब्या मिसाल अम खर। दैन शॉर्ट्स गए निकर वगैरह या इस लागान हाफ पेंट ये बना तो सूच तर प्लूरल फार्म शॉर्ट्स। तो प्लकर्स सो चुमट लक तम चुमट यम ब्यूटी पार्लर नशा या अक्सर लेडीज करन गर इस्तेमाल थोड़ा पन फेशियल बनाने खतर या आईब्रोज बनाने खतर इस्तेमाल तम तुच प्लूरल फार्म तथा वन प्लकर्स तथा प्लूरल फार्मी तथा दान आसान ज साइड। देन इट इज इयर रिंग्स तो ये भी प्लूरल फार्म में आपको मिलेंगे, यानी कि जन यशिर पे वन दुर्जोर यानी कनन मे दूर लागान इम से हमेशा कान जी हम दुकानदार वन कह मे दान दूर बल्कि ये पेयर फार्म मन प्लूरल फार्म वगैरह वगैरह आप खुद भी इसमें कुछ ऐड कर सकते। यू कैन ऐड मैनी मोर विद दिस लिस्ट बोथ इन दिस लिस्ट दिस प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स एंड यू कैन ऐड सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स इन दिस लिस्ट आल्सो। तो आप खुद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो एंड आई विल अपलोड दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्वड क्वेश्चन इन योर LMS पोर्टल and you will see and then you will write down these in your English exercise notebook for future reference and you will remember it and you will memorize it in order to get succeed in the upcoming examinations and आपको ये जो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि हम क्योंकि लैंग्वेज का जब हमें हम तभी हम इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इन चीज़ों की जो कि ग्रामर वर्क है तो इसका हमें इस पर होल्ड होना चाहिए, इसका पता आना चाहिए सिंगुलर किस चीज़ का है, प्लूरल क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव है, और तभी हम इन चीज़ों को सही इस्तेमाल करके एंड सही तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन देन स्पीक इंग्लिश बेटर। And with this, we have completed this chapter now. Inshallah, tomorrow we will start a new chapter, a new topic, a new lesson of your English textbook. And till then, it is goodbye from me. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.